अब कुरुक्षेत्र जिले में मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से सीधे ऑनलाइन वोट बनवाने के लिए कर सकते हैं आवेदन। ऑनलाइन डिजिटल चयनित मतदाताओं में से 3 मतदाताओं को लैपटॉप, 2 मतदाताओं को स्मार्टफोन और 100 मतदाताओं को दिए जाएंगे पेन ड्राइव। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 27 अक्टूबर को जिले में पड़ने वाली सभी 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों 11 लाडवा, 12 शाहबाद और 13 थानेसर और 14 पेहवा के सभी 810 मतदान केंद्रों पर 1 जनवरी 2024 को आधार तिथि मानकर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत को मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के दौरान ऑनलाइन डिजिटल चयनित मतदाताओं में से 3 मतदाताओं को लैपटॉप, 2 मतदाताओं को स्मार्टफोन और 100 मतदाताओं को पेन ड्राइव, जो कि 18 से 19 वर्ष यानी नवयुवक और महिलाओं को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष या फिर इससे अधिक आयु प्राप्त हो चुके वे सभी पात्र युवा पुरुष और महिलाएं जिनके नाम उनके सामान्य निवास से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अभी तक दर्ज नहीं हो पाए हैं, वे अपना नाम दर्ज करवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.esi.gov.in पर या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत 27 अक्टूबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक या फिर विशेष अभियान तिथियों जैसे कि दिनांक 2 दिसंबर 2023 और 3 दिसंबर 2023 को किया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि दिनांक 27 अक्टूबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक चलाए जा रहे इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 का लाभ उठाएं व विशेषकर 18 से 19 वर्ष की आयु के नवयुवक और महिलाएं अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से सीधे ऑनलाइन आवेदन करें। अब कुरुक्षेत्र जिले में मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से सीधे ऑनलाइन वोट बनवाने के लिए कर सकते हैं आवेदन। ऑनलाइन डिजिटल चयनित मतदाताओं में से 3 मतदाताओं को लैपटॉप, 2 मतदाताओं को स्मार्टफोन और 100 मतदाताओं को दिए जाएंगे पेन ड्राइव। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 27 अक्टूबर को जिले में पड़ने वाली सभी 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों 11 लाडवा, 12 शाहबाद और 13 थानेसर और 14 पेहवा के सभी 810 मतदान केंद्रों पर 1 जनवरी 2024 को आधार तिथि मानकर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत को मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के दौरान ऑनलाइन डिजिटल चयनित मतदाताओं में से 3 मतदाताओं को लैपटॉप, 2 मतदाताओं को स्मार्टफोन और 100 मतदाताओं को पेन ड्राइव, जो कि 18 से 19 वर्ष यानी नवयुवक और महिलाओं को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष या फिर इससे अधिक आयु प्राप्त हो चुके वे सभी पात्र युवा पुरुष
और महिलाएं जिनके नाम उनके सामान्य निवास से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अभी तक दर्ज नहीं हो पाए हैं, वे अपना नाम दर्ज करवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.esi.gov.in पर या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत 27 अक्टूबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक या फिर विशेष अभियान तिथियों जैसे कि दिनांक 2 दिसंबर 2023 और 3 दिसंबर 2023 को किया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि दिनांक 27 अक्टूबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक चलाए जा रहे इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 का लाभ उठाएं व विशेषकर 18 से 19 वर्ष की आयु के नवयुवक और महिलाएं अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से सीधे ऑनलाइन आवेदन करें।